तो दोस्तों हमारे घर आए हुए हैं भैया, और यह हुए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यानी बिहार से ना भैया। हाँ बिहार से हूँ। बिहार से चल करके आए हुए दोस्तों मेरे घर, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। मतलब एक मैंने कहा जाता, हाँ थोड़ा सा इसको मरम्मत कर देंगे उसके तो बाद भैया हम आगे। पी के देखते हैं पानी कैसा लगता है। बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कुलकुल ठंडा। ये गर्मी का मौसम है तब तो पर। गाइस मैं आ गया हूँ संजय भैया के पास। ये देख सकते हो मेरे पास संजय भैया है। बढ़िया संजय भैया, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते भैया। और भैया ये कलवट घर पुराना बन हाँ रहा है कि नया बन रहा है? ये नया बन रहा है, नया, चलिए दिखाइए थोड़ा। तो ये देखिए ये तो पहले से ही था। ये पहले से था? हाँ ये पहले से था, लेकिन ये घर नया बन रहा है। यहाँ पर जो पहले जो दीवार दिया हुआ था ना, हाँ वो वाला तोड़ करके नीचे दीवार दिए हैं। देखिए ये दीवार कंप्लीट हो गया है, अब ये हाँ छराएगा उसके बाद में फिर। फिर इसको नया हाँ बना, पुराना वाला कहाँ गया? हाँ पुराना वाला सीट लगा हुआ था तो उसको उजाड़ दिए हैं। उसके बाद में देखिए इसको खपरा से छारेंगे ये देख सकते उसके हो बाद। दोस्तों ये नया घर बन रहा है संजय भैया का। उधर मौसा जी काम कर रहा है। हाँ मौसा जी आज छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी पे मौसा जी है? हाँ मौसा जी नहीं आए हैं, फूफा जी हैं। फूफा जी है? नहीं, हाँ ये बल्ली उल्ली लगा दियो यहाँ पे, क्या अभी चुनाई चल रहा है क्या? ये भाड़ा हो गया हाँ। दीवार जोड़ने के लिए। और भैया चलिए थोड़ा दिखाइए तो कलवर घर आपका कैसा है? कलवट घर यही हो गया। ये तो पुराना हाँ वाला है ना? हाँ जिससे कलवट घर जो ये जो कलवट है ना, हाँ ये कलवट पहले से ऐसे ही था, हाँ और ये दीवार जो है ऊपर दिया हुआ था। ऊपर दिया हुआ हाँ था। ऊपर दिया हुआ था तो रोड चौड़ीकरण होने लगा ना, हाँ उस समय तोड़ने के लिए बोला तो इसको तोड़ करके जो है ना हम लोग नीचे दीवार दे दिए, खड़ा कर दिए दीवार। और यही वाला मतलब इधर मतलब ये छोटा भी हो रहा था तो इसको ऊंचा कर दिए हैं, और इसमें सीट डाला हुआ था तो सीट को उजाड़ दिए हैं। अब इसमें अब खपड़ा से छारेंगे। अच्छा भी मतलब उसी के लिए देखिए पूरा एकदम उठा दिए हैं, लेकिन ऊंचा कर दिए हैं, उस मतलब साइड में इसको पाए तीन रहे गुनाई हैं। से बनाएंगे, तीन हाँ छपरी से। हाँ उसे उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। खपड़ा जिस तरह का रहता है ना, लादाता है ना, उसी तरह से ये लादाएगा। भैया मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, वो आपका जो झरना का पानी है अच्छा उसको थोड़ा अच्छा दिखाना चाहिएगा। हाँ दिखाएंगे। हाँ चलिए थोड़ा चलिए दिखाइएगा उसको। चलिए गाइस दिखाते हैं झरने का पानी भैया का कैसा चलता है। चल रहा है भैया जी झरना का पानी दिखाने के लिए, हाँ चलते हैं। कहाँ इतना दूर में, हम तो हाँ बस सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहली बार भैया के पास आया हूँ पूर्णिया से चल के। यानी जी 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 कि गाइस हम 6-7 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ भैया के पास। 600-700 किलोमीटर ना। हाँ अच्छा तो काफ़ी दूर है यहाँ से। दूर तो बहुत है भैया, क्या करें, आपका प्यार की वजह से मुझे खींच लाया यहाँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया ये आप जो है खोजते खोजते यहाँ तक मेरा घर तक जी भैया हम पहुँचे हैं, खोजते 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 यहाँ आप घर तक तक। आए हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपका घर कहाँ पे है। ये मुझे पता था गोला के बगल में है, तो ऐसे हम पूछते 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 आपके पास आए अभी। चलिए बहुत अच्छा होगा। और गाइस ये देख सकते हो इधर का पहाड़ कैसा है, पूरा एकदम पूरा पहाड़ ही ठंडा पहाड़ एकदम। है। इधर ही हाथी आता है, हाँ इधर ही हाथी सब रहते हैं इसके ऊपर में। तभी और भैया जी कलवर घर में जाके घुसते हैं। हाँ चलिए गाइस आपको दिखाते हैं हम झरना का पानी कैसा है। तो गाइस भैया जी हमको झरना के पास ले आए हैं, ऊपर चढ़ रहा हूँ, बहुत ज़रा जोर भी लग रहा है चढ़ने में। हाँ देखिए पहुँच गया। यहाँ पे देख सकते हो टटिया लगा दिया है। हाँ हाँ कहा है कि इधर जो जानवर आते हैं ना, जानवर के कारण से गाइस टटिया लगाया हाँ हुआ पूरा है। जानवर सब आते हैं तो बैल बकरी जितना सब यहाँ पर अंदर घुस जाता है, और घुस जाने के बाद में ये पानी को खिदर कर देता है हाँ तो पीने गंदा के लिए, पानी कर देता है। हाँ गंदा कर देता है, पीने के लिए नहीं बनता है, इसीलिए चलिए भैया इसको जो दिखाइए है थोड़ा काफ़ी अंदर बढ़ा जाके। के रखते हैं। ये पूरा एकदम ये देखिए एकदम एकदम प्योर एकदम शुद्ध जल है ये पूरा थोड़ा एकदम बैठ के इसका। दिखाइए भैया। हाँ ये नीचे से जरकता है, हाँ ये पत्थर का जो खोल है ना हाँ वहाँ से ये जरक फूटता है मतलब अंदर से अंदर से ही। तरसोइयां मार के आता है। हाँ पूरा एकदम जरक निकलता है और वही पानी मतलब यहाँ पर जमा होता है। और देखिए अभी और जो, भाई हाँ आप जी देख रहे हो ऊपर में कचरा है, कचरा ऊपर से ही है, अंदर से पूरा सफेद पानी है। पूरा एकदम सफ़ेद पानी है, वो जो पत्ता सब गिरता है ना हाँ जंगल वाला हाँ वही सबसे ऐसा जाली जैसा हो गया है। और नहीं तो ये पानी पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप पी वो तो करके भैया एक बार मुझे भी पता देखिएगा। है, मैं जब हिमाचल प्रदेश गए थे ना, अभी हिमाचल प्रदेश गए थे तो वहाँ पे झरना का ही पानी पीते थे। बहुत दूध का काम करता है पानी भैया। हाँ थोड़ा सा इसको मरम्मत कर देंगे उसके तो बाद भैया हम आगे। पी के देखते हैं पानी कैसा लगता है।
बहुत मस्त लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, ये प्योर झरना है यार, प्राकृतिक को जानवे करते हैं कि जो है मतलब प्योर जो निकलता है हाँ। उसका मजा ही कुछ और रहता है। ठंडा भी ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो चलिए गाय चलते हैं हम थोड़ा रंगीला के पास, उससे मुलाकात करवाते हैं हमको। चलिए चलिए चलते हैं, आइए भैया। चलिए एक टटिया लगा दीजिए हाँ। नहीं तो फिर हाथी वगैरह आ जाएगा। हाथी वगैरह तो अभी नहीं आएंगे दिन में, लेकिन शाम में आते हैं। और लेकिन यहाँ पर हम लोग का दिक्कत होता है क्या कि जैसे जानवर वगैरह जितना भी बैल बकरी सब इधर चराने के लिए ले आते हैं हाँ। तो सब यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर घुस जाएगा ना और खिदर कर देगा, इसीलिए हम लोग इसको लगा करके रखते हैं। और जितना भी राही बटो ही है हाँ। सब यहाँ पर पानी पीते हैं, उन लोग के लिए भी सुविधा। तो चलिए गाइस हम चलते हैं रंगीला के पास, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो गाइस भाभी जी आ गए, नमस्ते भाभी जी। हाँ, नमस्ते। थोड़ा दिखाइए हमको अब कलवर घर आपका कैसा है। चलिए भैया अभी दुरवा दिखा दीजिए। आइए आइए, यही है कलवर घर। यही नहीं, यही अंदर इसको अभी कंप्लीट नहीं किया क्या? कौन वाला कंप्लीट? ये अंदर में आलू है क्या? हाँ, वो आलू रखे हुए हैं। काई देख सकते हो अंदर में आलू है, हम आपको अंदर थोड़ा जाके दिखाते हैं। भैया अंदर जा सकते हैं हम? हाँ हाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत। थोड़ा आप कैमरा पकड़िए तो हम अंदर जाके देखते हैं। अच्छा लाइए। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कुलकुल ठंडा। ये गर्मी का मौसम है तब पर भी ठंडा का इसी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अंदर देख सकते हो गाइस, बहुत बड़ा बेड इसमें चाहे तो बना सकता है। हाँ। एक ही बेड लगा है इसमें, अगर लोग चाहे ना 50-60 आदमी सो सकता है आराम से। बहुत बड़ा कलवट है गाइस। अब अंदर से बाहर निकलते हैं हम, अच्छा लगा नज़ारा। तो भैया हम दिखा दिया आपको कैसा कलवट है, अंदर में बल्ब रखा है, आलू रखा हुआ है, पूरा सब कुछ है। तो भैया हम आए हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से यहाँ भैया से मिलने के लिए, और हम अब चलेंगे घर पे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमको वापस भी जाना है। चलते हैं घर पे। तो भाई वीडियो को आप यहीं ख़त्म करते हैं, भैया बोल दीजिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कुछ। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों हमारे घर आए हुए हैं भैया, और यह हुए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यानी बिहार से ना भैया? हाँ बिहार से हूँ। बिहार से चल करके आए हुए दोस्तों मेरे घर, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। मतलब एक मैंने कहा जाता है जो मेहमान होते हैं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और भैया जो है इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, और मतलब इतना मतलब संघर्ष करते हुए जो है हमारे घर पहुँचे, बहुत बहुत बधाई हो भैया। भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमको मौका दिए वीडियो बनाने का। जी जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा हम लोग को भी। तो गाइस आज का वीडियो हम यही पे अंत करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।